हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ कंपनी की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि इस कंपनी की शेयर प्राइस 3.50 रुपये है और आज के दिन 18% की तेज़ी हमें देखने को मिली है, यानी ये स्टॉक कंटिन्यू अपर सर्किट में देखने को मिला। पिछले 5 दिन में 22% के पॉजिटिव रिटर्न, 1 महीनों में 22% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीनों में 2.5% के नेगेटिव रिटर्न, 1 साल में 16% के पॉजिटिव रिटर्न। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, पिछली बार भी इस स्टॉक में कंटिन्यू अपर सर्किट हमें देखने को मिला था, उसके बाद कंटिन्यू लोअर सर्किट हमें देखने को मिला, और पिछले 5 सालों में 171% के पॉजिटिव रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 18% के नेगेटिव रिटर्न दिए। तो क्या इस कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो जैसा कि यहाँ बात करें कंपनी के बिजनेस एंड फंडामेंटल्स पर, मार्केट कैपिटलाइजेशन 295 करोड़ का है और इस कंपनी का जो बिजनेस है, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस, डिपॉजिटरी सर्विस, कमोडिटी ब्रोकिंग सर्विस, फाइनेंशियल फंड बेसिस सर्विस, वेल्थ मैनेजमेंट एंड मर्चेंट बैंकिंग सर्विस सेक्टर में ये काम कर रही है। मार्केट के स्टॉक का लो 2.35 रुपये, स्टॉक का ही 6.76 रुपये। पी की बात करें 25.7 है, ROC 8% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.5%, प्रमोटर होल्डिंग 26% की है, डेप्ट इक्विटी 0.15 है, ऑलमोस्ट 30 करोड़ का डेप्ट यहां देखने को मिला है। बात करें यहां पे कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट की, जो कि यहां पे काफ़ी टाइम से नेगेटिव हमें देखने को मिले थे, धीरे धीरे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। अब यहां पे प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है, 4 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ का। यहाँ बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंटिन्यूस लॉस देखने को मिला था, कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, अभी यहाँ पे प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली, 14 करोड़ से 12 करोड़ का प्रॉफिट। बैलेंस शीट में रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिले, 101 करोड़ एंड 115 करोड़। इसी के साथ साथ कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो भी यहाँ पर काफ़ी गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ बात करें कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स के पास 26% के स्टेक्स है, बाकी 73% पब्लिक होल्डिंग देखने को मिली है। पब्लिक होल्डिंग में आप देख सकते हो इन इन्वेस्टर्स के पास पैसा था जो कि अब यहाँ पे निकाल लिया गया, बाकी जितना भी यहाँ पे स्टेक्स है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो क्या आपके पास इस कंपनी के शेयर हैं? नीचे कमेंट कीजिएगा। तो क्या इस कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? जी दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि 3 रुपये का शेयर है इसलिए हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ऐसी छोटी कंपनीज़ में, तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट करें, यानी 100-200 शेयर्स तक ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इन स्टॉक्स में कंटिन्यू लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट देखने को मिलता है। और 2021 में ये स्टॉक को स्प्लिट किया गया था, यानी 10 रुपये की फेस वैल्यू से 1 रुपये की फेस वैल्यू पे, और साथ ही 2012 में ये कंपनी 1:3 का बोनस भी लेकर आई थी। इस वजह से इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 3.50 रुपये देखने को मिला है। बट ये कंपनी में काफ़ी ज़्यादा रिस्की हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट होने की वजह से इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी रहती है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 10, 20, 50, 100 शेयर तक ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके लिए रिस्की हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत कीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।